हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दो साल होने को आ रहे सरकार, पर अभी तक आपके होने वाले जवाई ने एक थाल न भरी। रीत तो रीत हो वैसे सरकार, आप या हम, हमारी बिरादरी में सबने निभाई से। बिल्कुल खरी बात करी तन्ने। दिलावर, तारे छोरे और हमारे छोरी की सगाई इसी शर्त पे हुई थी कि वो के साथ थाल भर के पूरे बिरादरी के सामने असली मर्द बन के दिखावेगा, लेकिन उससे एक भी थाल तो भरी ना गई अब तक। मैं के करूं सरकार। करना तन्ने नहीं, तारे छोरे ने दो दिन के भीतर के थाल भर के दिखावे, वरना तन्ने पता है कि क्या होएगा उसके साथ। जिंदगी में कुछ कर गुजरने वाले ना, इतना ज्यादा नहीं सोचते। अगर मेरी सोच तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती है, इससे अच्छा है कि हम अपने रास्ते बदल लेते हैं। क्या? मैंने तेरा दो साल इंतजार किया और तू मुझसे कह रहा है हम अपने रास्ते बदल ले? जो काम पिछले दो साल में नहीं कर पाया वो दो दिन में कर लूंगा। करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरे बिना नहीं जी सकती। और अगर कोई दूसरा रास्ता होता? दूसरा रास्ता है, लेकिन तुम उस रास्ते पर चलना ही नहीं चाहती। मैं अपने पापा की मर्जी के आगे मजबूर हूँ। और मैं अपने वसूलों के आगे मजबूर। इससे अच्छा है कि तुम मुझे भूल जाओ। दीदी, सिर्फ 15 दिन रह गए आपकी शादी को, और मम पापा को तो देखो, इन्हें लगता है कि शादी के बाद आपका नया जन्म होने वाला है। और तुझे क्या लगता है? मुझे मुझे डर लग रहा है। मैं तो मम पापा की आइडल डॉटर नहीं बन पाई, पर आपकी किस्मत पता नहीं आपके साथ क्या खेल खेलने वाली है। चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। और तुझे भी कुछ नहीं होने दूंगी मैं, ठीक है? जग गई तू? हाँ मम्मी, साइकिलिंग के लिए जा रही हूँ। अच्छा सुन ना, हाँ? घर जरा जल्दी आ जाना, 11 बजे तक हमें जयपुर निकलना है। और तुझे पता है तेरी शादी का लहंगा रेडी हो चुका है, और बाकी की जो शादी की शॉपिंग बची है ना, आज जयपुर में कर लेंगे। ठीक है, पर आप एक काम करो, आप मेघा को ले जाओ, हम दोनों की चॉइस सेम है। मुझे नहीं जाना मम्मी, प्लीज। हाँ मेघा? हाँ दीदी। हाँ तो ठीक है ना भाई, तुम और मेघा जयपुर चले जाओ, आज मैं और वर्षा शांति से चेस का मैच खेलेंगे, ठीक है ना? चलो मैं चलती हूँ। ये क्या कर रहा है तू? चुप रह। सॉरी दीदी, ये सब विहान ने। वर्षा, अरे ऐसे कैसे गिर गई? दीदी दीदी, ऐसे कैसे गिर गए? ये तुम दोनों की शरारत है ना? हाँ रुको, तुम्हारी मम्मी को बताती हूँ अभी मैं, रुक जाओ। मेघा छोड़। मिताली देख, तेरे बच्चों की करतूत। अरे मम्मी छोड़ो ना, बच्चे हैं, ठीक हूँ मैं। अरे बच्चे हुए तो क्या हुआ, तुझे चोट लग जाती तो? अरे हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। किया? ये क्या किया तुमने? हाँ मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब वियान का प्लान था। वियान, तुम हर बार अपनी सारी गलतियां वियान पे डालते, तो सुधरते क्यों नहीं हो? छोड़ो छोड़ो, ऐसे नहीं करते, बच्चे करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक हूँ मैं। अरे चैंपियन, क्या हुआ? मैंने तुम्हें सेव कर लिया था ना, तब भी गुस्सा हो? वर्षा दीदी, मैं आपसे गुस्सा नहीं, ये सब वियान की और स्मार्टनेस है। और मम्मी, व्यान की हर मिस्टेक पे मुझे डांटती है, बोला था ना आपको, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। अरे नहीं क्यान, ऐसे नहीं बोलते, पर मैं हूँ ना। पर आप तो शादी करके अपने हस्बैंड के पास चली जाओगे, क्या आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती हो? अगर पॉसिबल होता ना तो जरूर ले जाती, लेकिन तू जानता नहीं है अभी मैं कितनी दूर जाने वाली हूँ। पर आपका फ्यूज तो थोड़ा ही दूर रहता है। तू नहीं समझेगा अभी कि मैं कहां जाने वाली हूं। हेलो
अभिषेक जी मैडम, आप ही ने कॉल किया था? जी मैडम, हम लोग जदी भाई साहब के पड़ोसी हैं और इनकी मेट सुबह जब काम पे आई तो इसी ने सबसे पहले सब कुछ देखा। ये जगदीश की फैमिली में और कौन कौन है? अब जगदीश भाई साहब की पत्नी और उनकी छोटी बेटी, वो दोनों कल जयपुर गए थे वर्षा की शादी की शॉपिंग के लिए। देख के लग रहा है जैसे घर में लूट भी हुई है। लड़की के दोनों कानों पे भी घाव है, इसने बालियां पहनी होंगी जो खींच के निकाली गई, तो शायद उंगली में अंगूठी होगी, निकल नहीं रही होगी तो उंगली काट गई, और उनके गले में चेन का निशान है। आप लोगों को शक है किसी पे? कौन जगदीश और उनकी बेटी को इस तरह से मार सकता है? नहीं मैडम, हमें तो इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है। पर आपका पड़ोसी है ना, रात को शोर झगड़ा कुछ तो सुना होगा आपने। नहीं मैडम, ऐसी तो कोई आवाज नहीं सुनी हमने। सर फोर्स्ड एंट्री के तो कोई साइन नहीं दिख रहे, लग नहीं रहा है कि कोई जबरदस्ती घर में घुसा। कहीं ऐसा तो नहीं कि एंगल पर्सनल है और इसे लूट की शक्ल देने की कोशिश की गई है? एक काम करो, घर अच्छे से स्कैन करवाओ और फोरेंसिक बुलवाओ। सर सर सर, जगदीश की पत्नी और छोटी बेटी कल रात जयपुर में थे, रास्ते में पहुंचते होंगे। ठीक है सर। ये देखिए सर, बच्चों के खेलने वाला वॉकी टॉकी मिला है, खून के निशान है इस पर। घर में कोई बच्चा भी है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ पता नहीं चला। ये लोग कौन है? सर ये पड़ोसी है, इन्होंने हमें कॉल किया था। सर हमारे बच्चे गायब हैं। आपके बच्चे गायब हैं मतलब? सर हमारा बड़ा बेटा कियान और छोटा बेटा विवान दोनों घर पे नहीं है। एक मिनट, अभी तो आप दोनों यहीं पे थे, तब तो आपने कुछ बताया नहीं था, और अभी अचानक से आपके बच्चे भी गायब हो गए? सर वो वॉकी टॉकी हमारे बच्चों का है सर, उसको जैसे ही देखा कुछ समझ नहीं आया तो उन्हें देखने घर चले गए सर, लेकिन वो घर पे नहीं है सर। एक मिनट, वॉकी टॉकी आपके बच्चों का तो यहाँ कैसे आया? सर यही समझ नहीं आ रहा है सर, सुबह सुबह ही हम दोनों यहाँ आ गए थे, हमें लगा बच्चे अपने कमरे में सो रहे होंगे, लेकिन वो घर पे नहीं है सर। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आप हमारे बच्चे ढूंढ के दीजिए। सुनो एक बार फिर घर अच्छे से चेक करो। क्विक सर। सर पूरा घर चेक कर लिया, बच्चा कहीं नहीं मिला। और सर मुझे तो इन पड़ोसियों की बातें अजीब लग रही है, थोड़ी देर पहले मुझे जगदीश की फैमिली के बारे में सब कुछ बता रहे थे और अब अचानक बोल रहे कि इनके खुद के बच्चे गायब हैं। सर कहीं लोग ड्रामा तो नहीं कर रहे? मतलब क्राइम सीन पर बच्चों की वॉकी टॉकी देखते इनको अचानक से अपने बच्चों की याद आ गई? लोग ड्रामा कर रहे हैं तो हमें पता करना होगा इनका और इनके बच्चों का इन मर्डर से क्या लेना देना है। आप लोगों को शक है किसी? कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। आपके जो ये पड़ोसी हैं जो अभी भी गए, कैसे लोग हैं? आपको इन पर कोई शक वगैरह? ये लोग, आप ऐसा क्यों पूछ रहे? ये इत्तेफाक हमें काफी अजीब लग रहा है कि आपके पति और आपकी बेटी का मर्डर हुआ और उनके साथ ही इनके दोनों बच्चे गायब भी हो गए। उन दोनों बच्चों का आपके घर आना जाना था क्या? हाँ, वर्षा दीदी को वो काफी पसंद थे। आपकी वर्षा और जगदीश के साथ आखिरी बार बात कब हुई? रात को 9:30 बजे उनसे बात हुई थी, तब तो सब कुछ ठीक था, पर तनी रात ही क्या हो गया। मैडम यही कियान और व्यान का रूम है, रात को दोनों यहीं सोए थे। आपने रात में आखिरी बार कब देखा था बच्चों को? रात को 10:30 बजे वो बिस्तर पे चले आते, मैं खुद उन्हें यहाँ सुला कर गई थी, उसके बाद सुबह 7 बजे जगदीश भाई की मेड ने आकर हमें जगा दिया और उसके बाद हमें बच्चों को देखने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आपके बच्चे ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं भैया? आप लोग हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं मैडम, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे, पता नहीं हमारे बच्चे किस हालत में, प्लीज हमारे बच्चों को ढूंढ के दीजिए। सर इन दोनों बच्चों का कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है, आस पड़ोस में ऐसा कोई भी विटनेस नहीं मिला है जिसने बच्चों को या फिर किसी संदिग्ध को यहाँ पर देखा हो। एक तरफ एक ही फैमिली के दो दो लोगों का मर्डर और लूट, और दूसरी तरफ इसी मोहल्ले के दो दो बच्चों का गायब होना। ये क्रिमिनल का मकसद मर्डर और लूट ही था?
या फिर बच्चों को गायब करना। नहीं मैडम, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हो सकता है आपके बच्चे किडनैप हो गए हो और आपको फिरौती के लिए कॉल आए। मैडम मेरी एक छोटी सी दुकान है, ना मेरी खुद की कोई प्रॉपर्टी है और ना मेरी कोई बड़ी जायदाद है, कोई क्यों मेरे बच्चों को किडनैप करेगा? किया है बहुत, चलिया मैंने तुझे बहुत, अब तू देख तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। तूने मेरे पापा और बहन को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, बहुत चलिया मैंने तुझे बहुत, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। व्यान देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूं। वाह पापा, व्यान बहुत बुरा है, पता है ये कैसे प्रैंक करने की बात करता था? अरे चुप चुप बोल, मैंने बोला। अरे 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 लड़ो मत। लड़ता तो वियान है, आज वियान की वजह से मम्मी ने मुझे मारा। तुम दोनों भी ना पापा दुकान से आने की शरारत करनी शुरू कर दी। चलो जाओ अपने कमरे में, चलो जाओ। ताली, कल किस बात पे मारा था तुमने कियान को? तुम जानते हो अभिषेक कि दोनों बच्चे कितने शरारती है, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक बच्चे के लिए हर छोटी बात बड़ी होती है, और कियान और रियान में तुम हमेशा से फर्क करती आई हो। बस करो अभिषेक, मेरे बच्चे गायब हैं, उनके बारे में पता करने के बजाय तुम मुझसे ऐसे फालतू सवाल किए जा रहे हो। मेरा दिल जानता है कि मैंने कियान को अपने सगा बेटा माना है हमेशा। सर मैंने कियान और वियान के पेरेंट्स के फोन सर्विलेंस पर डाल तो दिए, लेकिन सर लग नहीं रहा ये किडनैपिंग का मामला है। और दोनों फैमिली किसी पे शक भी नहीं जता रही है। सर एक बात है, ये कियान और वियान सगे भाई नहीं थे, बड़ा बेटा कियान अभिषेक की पहली बीवी से था और अभिषेक ने मिताली से दूसरी शादी की है। हाँ लेकिन इस सब का इन केसेस से क्या लेना देना? सर ये अभिषेक बहुत मामूली सी दुकान चलाता है और उसने वो भी गिरवी रखी है। वही वर्षा की फैमिली बहुत रिच है और वर्षा की शादी की वजह से उनके घर में गहने पैसे जेवर काफी थे और ये बात अभिषेक की फैमिली को अच्छे से पता थी। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अभिषेक और मिताली ने लूट के इरादे से इतना बड़ा कांड किया और उन पे किसी को शक ना हो इस वजह से अपने बच्चों के गायब होने की कहानी बना रहे हैं। सर इस एंगल में इन्वेस्टिगेशन करके देखना तो चाहिए। सर जब हम घर सर्च कर रहे थे तो वर्षा के मेडिकल पेपर्स मिले हैं, काफी सरप्राइजिंग है। वर्षा को लीवर कैंसर था। वर्षा को लीवर कैंसर था? हाँ सर, और ये बात मैंने उसके डॉक्टर से भी कंफर्म की। सर ऐसे केसेस में मरीज का बचना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वर्षा को कैंसर था, हम पूरी कोशिश करके उसे बचाना चाहते थे। हमें क्या मालूम था किस्मत उसे इतनी बुरी मौत देगी। शिव, वर्षा को कैंसर होने वाली बात आप लोगों को कब पता चली? वर्षा के रिश्ते से पहले या रिश्ते के बाद? डॉक्टर को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वर्षा की उम्र ही क्या है, उसको कैंसर कैसे हो सकता है? यही सच है उदिता, डॉक्टर की बातें सुनके तो मैं खुद डर गया हूं। मुझे कैंसर है। अरे नहीं बेटा, वो डॉक्टर को जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी, तो ठीक हो जाएगी बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, तू ठीक हो जाएगी। हाँ वर्षा बेटा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अभी तो हमने तेरी शादी कर रही है, तेरे बच्चों के साथ खेलना है हमने। वर्षा तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, पर हमारे गुरुजी ने कहा था कि अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसका भाग्य उसके पति के साथ जुड़ जाएगा और उसको एक नया जीवन मिलेगा। लेकिन आपने वर्षा के होने वाले पति और उसकी फैमिली से वर्षा को कैंसर ही बात छिपाई। पर हमने नहीं सोचा था कि हमारी बेटी इस तरह हमें छोड़ के चली जाए। सूरज। यस सर। वर्षा के होने वाले पति और उसकी फैमिली की बैकग्राउंड पता करवाओ। सर सवाल ऑब्वियस है, कहीं वर्षा के होने वाले पति और उसकी फैमिली को पता तो नहीं चल गया था कि वर्षा को कैंसर है? ये बात वर्षा की फैमिली ने उनसे छुपाई है। अगर ऐसा था
तो रिश्ता तोड़ सकते थे, क्या इसके लिए वो दो दो मर्डर करेंगे? अब ये केस सिर्फ डबल मर्डर केस और लूटपाट का नहीं रह गया है, इसमें दो दो बच्चों के मिसिंग होने का मामला भी जुड़ गया है और हमारा चैलेंज भी दुगना हो चुका है। चल ये बता वो क्या है? क्यों? क्यों? पीछे पीछे हटिए। क्या हो गया? और सर ये इसी के फादर के वैन के नीचे मिली है। सुबह से हमसे बोल रहे थे कि बच्चे गया है, बच्चे गया है, और ये अपने बच्चे की डेड बॉडी अपनी वैन के नीचे छुपा के रखी है। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। लेकिन हमारी सबको समझ में आ रहा है। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? फिर तूने अपनी बहन यहाँ पर छुपा के क्यों रखी है? मैं तो रोज ही गाड़ी यहाँ पार्क करता हूँ। जिसने भी मेरे बच्चे को मारा होगा जानबूझकर मेरी गाड़ी के नीचे बॉडी छिपा दी होगी। अब तेरी पोल खुल गई तो तू कहानी बना रहा है। बस किस इंस्पेक्टर साहब, मेरे एक बच्चे की लाश पड़ी है, मेरे दूसरे बच्चे का हाथ पता नहीं है, और आप हमें सुनाए जा रहे हैं? आप हमारे बच्चे को क्यों मारेंगे? अभी भी पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। एक मिनट, ये बड़ा बेटा क्या? ये सौतेला था ना मिताली का? हाँ सर, सौतेले बेटे की लाश मिली है और सगे बेटे का कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो पता करो, सुबह दो लाशें मिली हैं और अब ये तीसरी लाश बच्चे की। पूरा घर स्कैन करो और ये भी चेक करो कि ये किस किस के कॉन्टेक्ट में है। अगर इस समय ये लोग शामिल हैं तो उन्होंने चोरी का माल कहीं छुपा के रखा होगा। यस सर। सर अभी अभी थाने से यादव का कॉल आया था। व्हाट? तुम जयपुर गई थी ना मेगा? जी। तो फिर वर्षा का मोबाइल फोन तुम्हारे पास कैसे आया? सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं जब जयपुर गई थी तब मैंने खुद ने ही वर्षा दीदी से उनका फोन मांगा था। क्यों? सर मुझे वर्षा दीदी के फोन का कैमरा पसंद था और फोन पूरी रात मेरे पास ही था। हमने वर्षा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो हमें पता चला कि वो किसी मनीष नाम के लड़के से काफी बात करती थी। ये कौन है मनीष? वो सर दीदी का फ्रेंड था। तो वर्षा की शादी तो सुमित से होने वाली थी, तो मनीष वर्षा का नॉर्मल फ्रेंड था? या देखो कुछ भी छिपाना मत तुमसे। दीदी दीदी ये क्या सुन रही हूँ मैं? आपको लड़की वाले देखने आ रहे हैं? मम्मी पापा को मना नहीं कर पाई। मना नहीं कर पाई मतलब आप तो मनीष को प्यार करती है ना? हाँ तुमने मम्मी पापा को बताया कि तुम मनीष के साथ शादी करना चाहती हो? बताया ना, बोलो ना। देखा मैं ना मनीष से शादी करना चाहती हूँ ना किसी और से, पर मैं क्या करूँ, मम्मी पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती जाने से पहले। जाने से पहले मतलब? मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि दीदी को कैंसर है। सर दीदी मनीष को झूठी होप्स नहीं देना चाहती थी, इसलिए दीदी ने मनीष के साथ ब्रेकअप कर लिया। मनीष को पता था कि वर्षा को कैंसर था? नहीं, और दीदी ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं मनीष को कुछ भी ना बताऊं। तो फिर वर्षा मनीष के साथ इतनी बातें क्यों करती थी? मुझे मालूम था तू मुझे छोड़ ही नहीं सकता। अरे तू रो रहा है,
तुझे तो खुश होना चाहिए कि अपना रिश्ता एक नहीं दो नहीं बल्कि चार कदम आगे बढ़ गया है। अभिषेक जी आपका फोन दिखाइए। फोन में आपको क्या देखना है मैडम? आपका फोन दीजिए प्लीज। ले लीजिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैडम कि मेरे छोटे बच्चे को ढूंढने के बजाय आप लोग मेरे घर में और मेरे फोन में क्या ढूंढ रहे हैं। ये लीजिए और हमें बिना बताए कहीं जाएगा मत। सर मनीष का फोन कल रात वर्षा के घर पर ही एक्टिव था। हो सकता है कि वो वर्षा से बदला लेना चाहता हो क्योंकि वर्षा उसकी बजाय किसी और से शादी करने वाली थी। बुलाइए मनीष को। और हाँ, मेरी वर्षा की मदर से बात हुई। उनका कहना है कि पहले उनके साथ जयपुर वर्षा जाने वाली थी लेकिन बाद में मेघा उनके साथ गई। मतलब अगर वर्षा जयपुर जाती तो उसके फादर के साथ वर्षा का नहीं मेघा का मर्डर होता। पॉसिबल है। और सबसे अटपटा यह है कि मेघा जयपुर वर्षा का फोन लेकर क्यों गई। सूरज कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जिसे अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं। कहां से आ रही है तू इतनी रात को? झूठ मत बोलना। मैं रोज देख रही हूँ तू रात को ऐसे चोरी छुपे घर से बाहर निकलती है। चल क्या रहा है मेघा? वो दीदी मुझे माफ करना। दीदी मेरी वजह से आप और पापा। जितना टाइम लेगा ना सच कबूल करने में उतनी ज्यादा दिक्कत होगी तुझे। सर मैं वर्षा से प्यार करता था सर, उसे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। झूठ मत बोल। रात के 1 बजे तक तेरा मोबाइल फोन वहीं पर एक्टिव था। एक लड़की तुझे रात को अपने घर बुलाएगी वो भी तब जब उसके फादर घर पे है। 15 दिन बाद उसकी शादी होने वाली है। पता है तुझे ना क्यों कहा था उसने? नहीं सर। क्योंकि कैंसर था उसको। वो नहीं चाहती थी कि शादी के बाद तू खो दे उसको और तूने मार दिया उसको। ये क्या बोल रहे हैं आप सर? उसने मुझे बताया भी नहीं सर। उसे कैंसर था। अब अगर तुझे पछतावा हो रहा है तो सच कबूल कर ले कि तूने ही मारा है उसको जबकि उसने तेरा कभी बुरा नहीं चाहा। सर मैंने भी वर्षा को कभी बुरा नहीं चाहा सर। हाँ सूरज। सर टॉक रोड के पास दूसरे बच्चे की लाश मिली है। What? सर बिहान की लाश देख के लग रहा है कि इसका मर्डर भी कल रात को हुआ है लेकिन सर बिहान की लाश वर्षा और त्यान के घर से करीब 1 किलोमीटर दूर टोंक रोड पे मिली है। तो हो सकता है कि इसका मर्डर कहीं और किया गया हो और फिर बॉडी को यहाँ पे लाके डंप कर दिया गया। एक बच्चे की लाश मिली है अभिषेक की वैन के नीचे। अगर अभिषेक को ये सब कुछ करना होता तो वो दोनों बच्चों की लाशें डंप करता। सवाल ये भी है कि इन दोनों बच्चों के मर्डर्स का जगदीश और वर्षा के मर्डर से क्या कनेक्शन है? कल मैं पहले वर्षा से उसके घर पे नहीं मिला था। वर्षा के फादर के सो जाने के बाद वो घर से निकली थी और फिर कल रात हम 11 बजे हाईवे के पास मिले थे। हाईवे के पास? जी सर। क्यों? तुमने मुझे ना कहने की वजह नहीं बताई लेकिन आज इतनी रात को यहाँ मिलने की क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरे साथ भागना चाहती हो? तो अभी भी सपनों में ही है मनीष। सपने दिखाए भी तो तुमने थे और तोड़ भी तुमने दिया। हेलो। हाँ मैं हाईवे के पास आ गई हूँ पैसे लेकर, आ जाओ। इतनी रात को किसके पैसे देने हैं? आखिर चल क्या रहा वर्षा? एक लड़का मेघा को ब्लैकमेल कर रहा है। क्या? पिछले 3 महीने से मेघा उसके चंगुल में फंसी हुई है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए मनीष। हेल्प तो हमें पुलिस के लिए नहीं चाहिए ना? और तुम इतनी रात को अपनी लाइफ रिस्क में डाल के यहाँ पे आ गई। मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती। क्यों? उस लड़के के पास मेघा के कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियोस हैं। वो जब ही आएगा ना तो हमें उससे ना फाइनल बात करनी है, सब कुछ सेटल करना होगा ताकि वो बार बार मेघा को परेशान ना करे और उसके वीडियोस हमेशा के लिए डिलीट कर दे। प्लीज मनीष प्लीज। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी। शायद से वो लड़का उसी में था।
लेकिन वर्षा को मेरे साथ देखकर वो वहां से चला गया। ये लड़का कौन है जो मेघा को ब्लैकमेल कर रहा है? मेघा का कोई दोस्त है सर, मेघा ने उसके बारे में मुझे नहीं बताया। तो मेघा को ये पता है कि तू कल रात को मिला था वर्षा से? हाँ सर, लेकिन हाईवे के पास से मैंने वर्षा को उसके घर पे ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद वर्षा और उसके फादर को किसने मारा मुझे कुछ नहीं पता सर। मर्डर सिर्फ वर्षा और उसके फादर का ही नहीं हुआ है, बल्कि वर्षा के पड़ोस के दो बच्चों का भी मर्डर हुआ है। बच्चे? एक मिनट सर, जब मैंने वर्षा को ड्रॉप किया था तब मैंने कुछ देखा था। ये बच्चे थे? हाँ हाँ सर, यही दोनों बच्चे थे। क्या कर रहे थे वहां पर? नहीं मालूम सर। सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाई, पर मुझे सुबह से ही लग रहा था कि उसी ने दीदी और पापा को मारा होगा। कौन है वो लड़का? देवांश। कौन देवांश? सर मैं उसे एक पार्टी में मिली थी, वहां मेरी उससे दोस्ती हुई थी, और एक दिन उसने मेरी ड्रिंक में कुछ नशे की दवा मिला दी और सर मेरा रेप कर दिया, और सर उसने मेरा वीडियो बना लिया। मैंने तुझ पे भरोसा किया, तूने मेरा रेप किया, और ये वीडियो डिलीट कर, ये वीडियो डिलीट कर। हो जाएगा, डिलीट तो हो जाएगा, पर पैसे लगेंगे, वरना वायरल हो सके। सर मैं पिछले 3 महीनों से उधार मांग मांग कर उसको बहुत पैसे दे चुकी हूँ, और एक दिन वर्षा दीदी को हुई ये सब बातों का पता चल गया। पहले क्यों नहीं बताया मेघा? रो मत। हाँ दीदी, मैं बहुत डर गई थी। चिंता मत कर, मैं जानती हूँ अच्छे से ऐसे लड़कों को कैसे हैंडल करना है ना, मैं देखती हूँ। रो मत, रो मत। और सर कल रात को भी उसने मुझसे पैसे मांगे थे, पर दीदी ने मुझे जयपुर भेज दिया और बोला कि वो सब कुछ यहाँ हैंडल कर लेंगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था सर कि दीदी और पापा के साथ ही ये सब हो जाएगा। ठीक है, संभालो अपने आप को, और इसका हमें मोबाइल नंबर, एड्रेस, पूरी डिटेल्स दो। सर मैं उसको पार्टी में मिली थी, मेरे पास बस उसका फोन नंबर है। सर देवांश का नंबर आदर्श नगर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका घर भी बंद है और उसका फोन भी, हमने उसका लुकआउट नोटिस जारी करवा दिया है। गुड सर, गौतम नगर में और एक फैमिली का मर्डर हुआ। व्हाट? हो क्या रहा है? आइए सर। सर इनका नाम गुलशन सिंह है और ये इनकी वाइफ आरती। उन दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत बुरी तरह मारा गया। सर यहाँ पड़ोसी ने बताया कि इनके ज्यादातर रिश्तेदार आउट ऑफ कंट्री हैं, और ये गुलशन भी किसी गल्फ कंट्री में काम करता था, अभी कुछ दिन पहले ये यहाँ आया था। मॉडल्स ऑफ ऑफरेंडी बिल्कुल एक जैसी है, जिस तरह से वर्षा और उसके फादर को मारा गया, उनके घर में लूट की गई, लगातार 2 रातों में 2 क्राइम्स, वो भी एक ही तरह से। रिया, यस सर, पता करो वर्षा और उसकी फैमिली का इस फैमिली के साथ कोई कनेक्शन है क्या, क्विक। यस सर। सब क्या आप पुराने गहने खरीदते हो? हाँ। कैसे गहने? सोने के। दिखाओ। बिल है तुम्हारे पास? अरे नहीं साहब, पुश्तैनी गहने हैं। अच्छा, अभी दुकान में नगद कम है, मैं इंतजाम करता हूँ।
तुम तब तक इंतजार करो, चलेगा ना? चलेगा सर, चलेगा सर। सर मैंने वर्षा की मदर और सिस्टर से बात की, लेकिन वो दोनों भी इस फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानती। लेकिन मुझे स्ट्रॉन्गली फील हो रहा है कि दोनों क्राइम्स में एक ही तरह के क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं। हाँ बोलो सर। गणेशपुरा में एक आदमी एक ज्वेलरी शॉप पे कुछ गहने बेचने आया था। दुकानदार को उस पे शक हुआ तो उसने हमें फोन किया था। हमने उस आदमी का अरेस्ट किया। गुड। साहब मैंने चोरी नहीं करी साहब, आप बेवजह परेशान कर रहा साहब। झूठ बोलता है साहब। साहब चोरी नहीं करी साहब। अगर तूने चोरी नहीं की तो इतने महंगे गहने कहाँ से आए तेरे पास? साहब मैं तो कबाड़ा बेचता हूँ साहब, कबाड़ी खोज में इधर उधर गया था, मेरे को तो पड़े हुए मिले थे रस्ते में साहब। पड़े हुए मिले तुझे? पड़े हुए मिले? इतना बड़ा कांड करके बैठा है तू, और ये बॉल? साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ साहब, मेरे को तो बस रस्ते में पड़े ही मिले थे साहब। ये नौटंकी ऐसे नहीं उगलेगा। मुझे रोज मारता पीटता है साहब, इसे जेल में डाल दो। जेल में? सर इतना पिटने के बाद भी ये आदमी यही बोल रहा है कि इसे गहने रास्ते में पड़े मिले। पिछली दो रातों में दो फैमिलीज को टारगेट किया गया, झूठ बोल रहा है। सूरज एक काम करो, वर्षा की फैमिली से गहनों की पहचान करो। साहब साहब छोड़ दो ना साहब, साहब अपनी मारो अपनी बिंदनी को साहब, छोड़ दो ना साहब, छोड़ दो साहब, साहब साहब छोड़ दो ना साहब, साहब छोड़ दो ना। चलो साहब 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 चाय पिला दो साहब। चाय चाहिए साहब? इसको चाय पिला दो साहब और मुझे दारू पिला दो साहब। अरे तू चुप कर साहब, चाय ना दे सको तो कम से कम चद्दर दे दो साहब। साहब साहब चाय पिला दो साहब, ठंड लग रही है साहब, चद्दर दे दो। ये गहने देख के बताइए कि ये उन्हीं गहनों में से हैं जो आपके घर से गायब हुए? ये तो वर्षा की चेन, कंगन और बालियां है। क्या झूठ बोल रहा है? यादव ताला खोल। यस सर। तुमने सुन दिया इसको? चलो ऐसा सर ये तो मर गया। कैसे हुआ ये? क्या खिलाया इसको? मुंह से झाग निकल रहा है, इसके जहर कहां से है इसके पास? सर जहर के बारे में मुझे नहीं पता, बल्कि सर ये चाय मांग रहा था, हमने चाय भी नहीं दिया। सर ये बोल रहा था कि इसे ठंड लग रही है सर। ठंड से मर जाएगा जाता, वो भी इस मौसम में? एग्जैक्टली क्या हुआ था? सर मैंने लॉकअप के अंदर एक शराबी को बंद किया था सर, वो शराब पीकर अपनी बीवी को बाजार में मार रहा था। थोड़ी देर पहले उसकी बीवी आई थी यहाँ पर, अभी अपने पति को अंदर करने के लिए बोल रही थी और अब उसे अब छुड़ाने भी आ गई। अभागी हूँ साहब, अब जैसा भी है हमारा मर्द है, कम से कम खाने को तो देता है। साहब छोड़ दो इसको, मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। साहब छोड़ दो ना साहब, साहब अब नहीं मारूंगा कभी अपनी बींदनी को साहब। गुस्सा देखेगी उसको? कब आई थी, कितनी देर पहले? सर तकरीबन 15-20 मिनट पहले। 15-20 मिनट पहले? ज्यादा दूर। मुझे बाहर का सीसीटीवी फुटेज देखो। क्विक 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 क्विक। ओके साहब जल्दी। एक मिनट, पीछे करो पीछे करो। बस 20 मिनट हुए, इन दोनों की फोटो सभी बीट चौकी और पेट्रोलिंग टीम को भेजो, कैसे भी करके अंदर चाहिए मुझे। देख
अब हम इनसे बच नहीं पाएंगे। तू कबीले पहुंच, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। आप अपना ध्यान रखना। मैं ख्याल रखूंगा, तू पहुंच। मार दूंगा मैं तुझे। हमारी लापरवाही की वजह से इतने अहम गवाह ने हमारी कस्टडी में जान दे दी, दूसरी ने जेब काट ली। कर क्या रहे थे तुम लोग? सो रहे थे सबके सब। ये कोई आम लोग नहीं है, बहुत खतरनाक ग्रह है। इतना खतरनाक इन्हें अपने ग्रह के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं है। सूरज, पता करो फिलहाल अपने एरिया में कौन कौन से गैंग एक्टिव है। सर, उस आदमी के साथ जो औरत थी उसे वर्षा की मदर ने आइडेंटिफाई किया। सर, वो 1.5 साल पहले उनके घर में एक मेड का काम करती थी। कौन है औरत? एड्रेस क्या उसका? सर, 1.5 साल पहले वो काम करती थी इसलिए उन्हें बस उसका नाम याद है, कजरी। लेकिन सर, मुझे नहीं लगता उसका नाम कजरी होगा। गुलशन की फैमिली से कोई कनेक्शन उसका? सर, अभी तक तो ऐसा कुछ मालूम नहीं चला। ये किसी लूट मार करने वाले गैंग का काम, इनका एक जैसा है वो। इस गैंग की कोई औरत या आदमी लोगों के घरों में काम करते हैं, उस परिवार की सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर उसे लूट के लिए टारगेट करते हैं। सर, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये कजरी ने 1.5 साल पहले काम करना बंद कर दिया था, फिर अचानक से, मतलब सरप्राइजिंग नहीं है कि 1.5 साल बाद इन्होंने वर्षा की फैमिली को टारगेट किया। सूरज, इन सवालों का जवाब ढूंढने का टाइम नहीं है फिलहाल हमारे पास। हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना होगा कि ये लोग किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं। पिछली 2 रातों में इन्होंने 2 फैमिली को टारगेट किया है, हो सकता है आज रात ही किसी तीसरी फैमिली को टारगेट करें। उससे पहले हमें इन्हें रोकना होगा। क्लियर सर? क्या पता नहीं चला? सर, कांस्टेबल यादव का अभी तक कुछ पता नहीं चला। क्या हुआ कजरी? वो हमारे आदमी ने तो जमशेद को थाने में जहर देके मार दिया, लेकिन वो खुद पकड़ा गया अबू। क्या? पर उसने अपनी जुबान काट ली। ए, हवन! ए! सुना तुमने? एक मारा दामाद वो है, गिरोह की फोल ना पड़े इस वास्ते अपनी जबान काट ली, और एक तू है। इधर खड़ा हो सरदार, चल बाहर निकल, चल। और कौन कौन आया तेरे साथ? यहाँ अरे बोल, अरे बोल। पिछले 2 सालों में ऐसी जितनी भी लूट और मर्डर की घटनाएं घटी हैं, उन सब की रिपोर्ट मुझे मेरे टेबल पर चाहिए। चल से चल। सर, यादव का कुछ पता चला? नहीं सर, एक टीम गई उस डायरेक्शन में लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। उसकी फोन लोकेशन ट्रेस करवाओ क्विक। ओके सर। सर, दोनों विक्टिम को लाठियों से पीटा गया था और दोनों के ही सर के घाव पर लकड़ियों के टुकड़ों के ट्रेसेस मिले हैं और स्किन पर मस्टर्ड ऑयल थे। मस्टर्ड ऑयल? एक मिनट, मैंने ऐसे गैंग के बारे में सुना है जो बॉडी पर मस्टर्ड ऑयल लगाकर लूट और मर्डर्स की घटनाओं को अंजाम पहुंचाता है। इस गैंग के लोग बॉडी पर मस्टर्ड ऑयल इसलिए लगाते थे ताकि इन्हें कोई पकड़ने की कोशिश करे तो ग्रिप ना बने। पिछले साल भरतपुर में इस गैंग के लोगों ने कई घटनाओं को अंजाम पहुंचाया। लेकिन सर, इससे पहले तो अपने एरिया में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। आमतौर पर इस गैंग के लोग शहर के आउटस्कर्ट्स में आकर बस जाते हैं। आई थिंक 7 मारू नाम था इस गैंग का। सूरज, शहर का जितना भी बाहरी एरिया है सब जगह अपनी टीम भेजो क्विक। सर, संजय। सर, यादव जी का फोन नेटवर्क में नहीं है। शिवगढ़ के जंगलों के पास उनका फोन लास्ट एक्टिव था। शिवगढ़,
यो पुलिस वाला अड्डा तक पहुंच गया है। बाकी के पुलिस वाले भी हमने ढूंढते हुए यहाँ तक आएंगे। हमने जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जी सरकार। शर्त पूरी ना करें तुमने। छह मार दिए हैं तुमने, सातवां थारे सामने खड़ा है। जा, मार दे इन्हें और बन जा मारा जमाई। ये कुख्यात गैंग, इसने कई दशकों में देश के लगभग सभी राज्यों में लूट और मर्डर्स की वारदातों को अंजाम पहुंचाया है। ये इस गैंग के समुदाय का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको हमने गिरफ्तार किया है। इस गैंग से जुड़े लोग आज भी हमारे शहरों में खुलेआम घूम रहे हैं। इनके लोग फेक पहचान और नाम के साथ डोमेस्टिक हेल्पर बनकर लोगों के घरों में काम करते हैं, उन परिवारों की जानकारियां इकट्ठा करते हैं और मौका मिलते ही वारदातों को अंजाम पहुंचा देते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि जब भी आप किसी को अपने घर पर काम पर रखें, उससे पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। और यदि आप अपने घर के आसपास किसी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं तो उसे नजरअंदाज ना करें। आपकी ये सतर्कता सिर्फ आपको ही नहीं, दूसरों को भी बचा सकती है। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.